बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ शुरू करती हूँ आज की वीडियो। आज बना रही हूँ मैं आप सबके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी ब्रेड और अंडे के साथ। आज ये ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत मज़े की होगी, बहुत टेस्टी होगी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे वीडियोज़ अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए अब जल्दी से अपनी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के जो तीन स्लाइस लिए थे मैंने, तीनों को क्यूब्स में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। इस साइज में छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। और तीन अदद अंडे मैंने तोड़कर निकाल लिए हैं। अंडों में मैं 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालूंगी और 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम चिली फ्लेक्स और 1 से 2 चुटकी मैं इसमें ज़ीरा डाल लेती हूँ। ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत मज़े की और बहुत हेल्दी रेसिपी है आज की, और ये 5 मिनट में तैयार होने वाली रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपी है, आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनबॉक्स में बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी। जी तो आप देख सकते हैं मैंने अंडों को फेंट लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये तैयार हो गया है। अब एक पैन में 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल लेती हूँ। ऐसे हिला के हिला लूँगी अच्छे से। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें अंडे का मेज़ा डाल लेती हूँ। और इसको हिलाना नहीं है, ऐसे ही। ये आप देख सकते हैं आस्ता आस्ता ये गर्म हो रहा है। फ्लेम लो रखना है नीचे से। अब इसके ऊपर मैं ब्रेड के क्यूब्स डाल लेती हूँ। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। आज बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी और लजीज सा ब्रेकफास्ट तैयार होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे थोड़ा थोड़ा दबाते जाऊँगे ऊपर से। एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। अब ये तकरीबन फ्राई हो चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये मैंने प्लेट के ऊपर निकाल लिया था, आराम से इसके अंदर फिर डाल दूँगी। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में और कितना यमी लग रहा है। अब दूसरी साइड से भी ऐसे ही मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि ब्रेड भी नीचे से फ्राई हो जाए थोड़ी सी, और क्रिस्पी सा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी बार वक्त आप तक पहुँचते रहें। अब इसके ऊपर मैं चाट मसाला छिड़क लूँगी। चाट मसाले के साथ ये और भी टेस्टी हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप सब ने बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों को इस तरह की रेसिपीज बहुत पसंद होती हैं जिसमें एग शामिल हो। और हमारा ब्रेकफास्ट अब रेडी हो गया है, इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना डिलीशियस लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी, ब्रेकफास्ट रेसिपी। अब मैं जा चाहूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।